1000 बेड के नए अस्पताल ट्राइबल क्षेत्र में बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, क्या किया, क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया, नक्सलवाद बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ये भूपेश बघेल ने समाप्त कर हजारों करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, ये वादा खिलाफी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ये गरीबों के दुश्मन कांग्रेस का पंजा, उसको जिता सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, जिता सकते हैं क्या? अब जब मैं बोलता हूं कि आपने क्या किया, तो भूपेश जी हमारे पर सवाल डालते थे, मुझे कहते हैं कि गृह मंत्री मैंने क्या किया वो तो पूछते हैं, मगर फिर भी हमने क्या किया बताता हूं। जरा जोर से ताली बजाकर मोदी जी के लिए स्वागत करना। मैं एक एक बात बोलता हूं। 40 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपया देकर 7000 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डाला है। 33 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन से घर में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी देती है। और 30 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 35 लाख से ज्यादा गरीब माताओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 लाख गरीबों को मोदी जी ने आवास देने का काम किया है और IIT देने का काम भी किया है। भूपेश बघेल, 10 साल आपकी सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में आपने 77,000 करोड़ रुपया, सिर्फ 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,00,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का काम किया। परंतु आपको, आपके गांव में कुछ आया है भाई? आया है क्या? कहां गया, कहां गया, कौन खा गया, कौन खा गया? मित्रों, ऐसी सरकार न रखिए जिसके लिए मोदी जी योजनाएं भेजे, पैसा भेजे और बिचौलिए खाकर दिल्ली की तिजोरी में जमा करा दे। हमने नए 2300 मोबाइल टावर बनाए, 33 राजमार्ग योजनाएं 9000 करोड़ की लाए, 42 एकलव्य स्कूल बनाए, 500 मेगावाट का बिजली का कारखाना डाला, 2 ट्राइब शोरूम चालू किए और 162 करोड़ की लागत से रायपुर हवाई अड्डे का उन्नयन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हैं? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ, आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता आकर खड़ा हो जाएगा, हम चर्चा से नहीं डरते। मित्रों, ये धान के बात करते हैं, धान के किसानों, मैं आज यहां भूपेश बघेल की पोल खोलने आया हूं। ये 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान वो नरेंद्र मोदी जी खरीद रहे, और ये 2700 रुपया जो दे रहे हैं
से 2200 रुपया सीधा मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं, 74,000 करोड़ रुपया, कितना 74,000 करोड़ रुपीस, 74,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है और इसमें 8-10,000 करोड़ जोड़कर 74,000 करोड़ और 8 करोड़ कौन ज्यादा है? जोर से बोलो कौन ज्यादा है? अरे भूपेश, आपके 7 गुना ज्यादा पैसा मोदी जी ने धान के किसानों के चेक में डाला है। क्या झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हो? ये झूठो झूठे लोगों की सरकार है। इन्होंने वन अधिकार पट्टा भी नहीं, हमने हमारे 5 साल में 4 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टा दिया था, उन्होंने 54,000 दिया है। तेंदू पट्टा में भी उन्होंने बहनों की चरण पादुका योजना को बंद कर दी और हमने उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष में 23 लाख मानांक बोरा ही खरीदा है। हमारे रमन सिंह जी के अंतिम 2 वर्ष में हमने 32 लाख मानांक बोरा तेंदू पत्ता खरीदा था और बोनस भी दिया था। कांग्रेस ने 4 साल से बोनस भी नहीं दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, एक कांग्रेस के राज में दीन दूनी रात चौगुनी धर्मांतरण बढ़ रहा है। कोई भी नागरिक मन से जिसकी भी पूजा जिसकी भी उपासना करे, इसका हमारा संविधान ने छूट दिया है, मगर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का ये जो शुरुआत किया है ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और घर घर में गांव गांव में इसके कारण संघर्ष पैदा हुआ है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारी सरकार किसी के भी धर्म के मामले में दखल नहीं करेगी और सरकार प्रेरित धर्मांतरण को बिल्कुल कठोरता के साथ रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी ने 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डाला, एसटी के कल्याण के बजट को 29,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था, उसको बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की और ओडिशा की गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत सरकार की कैबिनेट में 27 मंत्री है, मंत्रियों में 35% मंत्री पिछड़ा समाज से है। अब तक कांग्रेस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं देती थी, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी, ओबीसी की सूची को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में अब तक केंद्र के कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन किया। और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी रिजर्वेशन करने वाला कोई और नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थे। मित्रों, छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल शासन किया, सबसे पहले चावल की ढंग से पहुंचाई करने वाला अगर कोई था तो हमारे नेता रमन सिंह जी ने करी थी। आज भी लोग उनको चावल वाला बाबा कहते हैं। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में देने वाला सबसे पहला राज्य हमारे समय में छत्तीसगढ़ बना। महिला मजदूरों को
मातृत्व का अवकाश देने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना। हमारे ही समय में एजुकेशन पावर हब, सीमेंट हब, इस्पात हब, एल्यूमिनियम हब वो बनाने का काम हमारे नेता रमन सिंह जी ने किया। एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान भी हमारे शासन के अंदर आए। 40,000 से ज्यादा नए स्कूल बनाए, सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किए और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने वाला भी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शुरुआत की थी। आप हमारा हिसाब मांगते हो बघेल जी, हम आपका हिसाब मांगते हैं। और मेरा तो आपको चैलेंज है, कहीं पर भी सार्वजनिक चर्चा करिए। और माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं दो ही बात कहना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोर से बताइए, जोर से बोलिए, कश्मीर है या नहीं हमारा, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी ने अनोरोध संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में पाल कर रखा था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारतीय भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को मोदी जी ने पूरा किया। और मित्रों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं, अंत में पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो नैनीहाल वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन किया और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, 22 जनवरी को मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति का गौरव कभी नहीं बढ़ाया, न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को गौरव देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गलती से भी भूपेश कक्का 30% की सरकार आ गई, नहीं आएगी मैं तो जानता हूं, मगर मुझे बोलने तो दो, गलती से भी आ गई तो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास वो करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, करने देंगे? तो सरकार ऐसी लानी चाहिए जो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास करने दे, डबल इंजन सरकार लानी चाहिए। आगे आ जाइए दोनों प्रत्याशी, मुझे बताओ, बहन भावना को और ईश्वर साहू को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे?